किसको एक अच्छा और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि एक अच्छे अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर की कमी है। आज मैं आपको कुछ दो मॉइस्चराइजर्स के बारे में गाइड करूंगी जो बहुत अफोर्डेबल भी हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, और नीचे एक लिंक भी आपको दे देंगे जहाँ से आप इसको घर बैठे ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा मलिक है और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मॉइस्चराइजर की ज़रूरत क्यों है? हमारी स्किन का एक नॉर्मल बैरियर फंक्शन होता है और उस बैरियर फंक्शन को हम लूज़ कर बैठते हैं जब हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल पील्स हैं, बहुत सारे एक्सफोलियंट्स हैं। उसकी वजह से स्किन हमारी ड्राई, रफ, फ्लेकी या रूखी आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ महसूस होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसी सूरत में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कुछ बच्चे और बच्चियाँ एक्ने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। हमेशा याद रखें, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है वो नरिश रहे और उसमें रीजनरेशन और हेल्दी फंक्शन उसका मेंटेन रहे। मॉइस्चराइजर जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें एक मॉइस्चराइजर है जो कि ऑयल फ्री है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है और उनको बहुत एक्नी निकल आती है और उनको लगता है कि कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता, उनके लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें सिरामाइड्स हैं जो कि हमारे नेचुरल हेल्दी फंक्शन को स्किन के मेंटेन करते हैं। दूसरा जो मॉइस्चराइजर है वो उन लोगों के लिए है, वो ऑयली मॉइस्चराइजर है बट उन लोगों के लिए है जिनकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है या उनको एक्जिमाज होते रहते हैं और उनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है। ये मॉइस्चराइजर भी सेरामाइड कंटेनिंग है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ड्राई या ऐसी स्किन है जिसमें एक्जिमा होता रहता है। थैंक यू।